कर्मचारी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो इतने पूर्ण बहुमत से हम लोग को जिताया। उनकी अपेक्षाएं जरूर होगी हमसे, तभी उन्होंने जिताया। और पहले उनका जो अपेक्षा है वो चीज को हम लोग सुनेंगे, क्या उनका प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। और जो प्यार हम लोग को मिला है वो प्यार को हम लोग बरकरार रखेंगे और उनका हर मुद्दा को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पिछली कमेटी में क्या खामियां थी जिसे पूरा करने के ज्यादा? पिछली कमेटी बीत गई है, अब उसमें हम ज्यादा जाना नहीं चाहेंगे, है ना। तो उसमें जब पास्ट है वो बीत गया है। हाँ, ये है कि जब मैं एक्स डिप्टी प्रेसिडेंट था तो मेरा टेन्योर था, मेरा काम करने का तरीका था। जब मैं हार गया तो कर्मचारी मुझे मिस कर रहे थे, तो तुलनात्मक होता है। और हमारा टीम वर्क था, जो हमारे साथ सतीश जी थे, शैलेश जी थे, हरिशंकर जी थे और हमारे यूसीएम बंधु थे, हमारे साथी थे। वो टीम बहुत बड़ा टीम था, कर्मचारियों का टीम था टाटा स्टील का, जिन्होंने हम लोग को पूर्ण बहुमत में जिताया। क्या कोई ऐसा कार्य पेंडिंग है ना? पिछला टेन्योर का कुछ पेंडिंग कार्य होगा, उसको हम लोग को करना है। पिछला टेन्योर का कुछ काम किया गया होगा जो इस टेन्योर में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया होगा, वो लोग चूंकि अब यूनियन में नहीं है तो उनका किया हुआ काम को भी हमको इम्प्लीमेंट करना है अच्छा तरीके से। और मेन है कि कर्मचारी का मनोबल को बढ़ाना है, मजदूर साथियों का मनोबल को बढ़ाना है। और उनका जो भी प्रबंधन के साथ बातचीत करके जो समस्या है, जो हम लोग का तरीका है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पिछला टेन्योर में था उस समय हम एक साधारण कमेटी मेंबर थे। मेरा पिछला टेन्योर का साथी लोग कुछ एग्रीमेंट भी किया था एम्प्लॉयमेंट का, जो नहीं हो पाया था वह आप लोग सुने होंगे। तो इस टेन्योर में उनका किया हुआ एग्रीमेंट जो है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि उनका जॉब उनको करना है हम लोग को।